In previous session, we are preparing factorial function. This is the lecture of continuation of previous lectures. In that case, already factorial function implement karna. Next time, implement karna hai jaa. How to calculating permutation, or we can say NPR. Is next case mein implement karna function called as NPR operations. What is the formula of calculating NPR? NPR of any number is equivalent to factorial of n upon factorial of n minus r. This is the formula of calculating permutations. So, in this case, finally, you have to calculate number of permutations in respect of required parameters n and r. Required inputs in this case, two inputs. That's why, in that case, we are creating function as npr. Then, इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं n एंड r. मींस अगर किसी भी पर्सन को किसी भी नंबर्स के लिए परम्यूटेशंस कैलकुलेट करना हो, पर्सन कॉलिंग प्लेस से इनपुट्स कितने पास करेगा, 2 वैल्यू फॉर n एंड वैल्यू फॉर r लाइक दैट. देन किसी नंबर का फैक्टोरियल सॉरी परम्यूटेशंस कैलकुलेट किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रिटर्न टाइप एज इंटीजर. देन फंक्शन बॉडी के केस में, इन दैट केस सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है आपको, फैक्टोरियल ऑफ n. फैक्टोरियल ऑफ n का जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे, हम इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर फैक्टोरियल ऑफ n fn. देन कॉल क्या कर लेंगे इस प्लेस पर, फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट किसके थ्रू कराएं, डायरेक्टली कैलकुलेट ना करके आपका ऑलरेडी फंक्शन में वैल्यू लगा फैक्टोरियल. जब भी n का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड होगा, इसको रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, फैक्ट ऑफ n. इसमें n पास किया तो फैक्टोरियल कैलकुलेट भी किसके लिए होगा, n के लिए. सिमिलरली अब अगेन फैक्टोरियल किस नंबर का रिक्वायर्ड है, n माइनस r के लिए. देन वन मोर वेरिएबल इसका फैक्टोरियल स्टोर कराने के लिए सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करें, f n r, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. n f n r इक्वल्स टू अगेन वी आर कॉलिंग फैक्टोरियल, लेकिन इस बार फैक्टोरियल n का कैलकुलेट ना करें, कैलकुलेशन किसके लिए कराना है, n माइनस r के लिए. तो डायरेक्टली क्या पास करें इसमें, n माइनस r. अब फाइनली परम्यूटेशन का रिजल्ट जनरेट करने के लिए, रिजल्ट के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ एफ एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एफ एन माइनस आर. देन अगेन फाइनल रिजल्ट स्टोर कराने के लिए सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया मैंने एज अ रिजल्ट. नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल एफ एन में क्या स्टोर है, फैक्टोरियल ऑफ वेरिएबल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन आर. देन फाइनली रिटर्निंग रिजल्ट. इज द लॉजिक्स फॉर कैलकुलेटिंग एन पी आर. वन मोर थिंग्स, इस केस में फैक्टोरियल फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए फैक्टोरियल के लॉजिक्स बार बार रिपीट न करके आपने इस केस में सिंपली रीयूज किया है. इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस. वन मोर थिंग, इस कोड को अगेन रिड्यूस करना पॉसिबल है. जहाँ भी रिजल्ट यूज किया, रिजल्ट को यूज ना करके, रिजल्ट में रियल में असाइन किया हुआ है रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, तो डायरेक्टली रिजल्ट के बेस पर राइट डाउन क्या कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन मीन्स लाइक दैट, रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ आर. फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर के प्लेस पर एफ एन आर में स्टोर किया रिजल्ट ऑफ दैट फंक्शन, तो इस प्लेस पर डायरेक्टली कॉल क्या करा सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर. सिमिलरली एफ एन के प्लेस पर भी कॉल क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाई लाइक दैट. अगर आप डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करा दें, वेरिएबल्स क्रिएट करनी नीड ही नहीं, सिंपली इस थिंग्स को अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए यूज क्या करेंगे, एग्जैक्ट वे डायरेक्टली वी आर राइटिंग रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर. अगर आपके पास फैक्टोरियल ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शन अवेलेबल है, देन परम्यूटेशन ओनली सिंगल लाइन में कैलकुलेट करना पॉसिबल बाय यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट. क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एनसीआर और कॉम्बिनेशंस.